हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से नई वीडियो के साथ यटी हार्ट गेमिंग में। तो गाइस, फाइनली एक और न्यू जो है गेम आ चुका है, और वो भी रेसिंग कैटेगरी से गाइस। और काफ़ी अच्छा गेम है गाइस, कंसोल क्वालिटी का आपको गेम देखने को मिलेगा गाइस। काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स इसमें अवेलेबल हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एस रेसर गेम है गाइस, और ये नेट इजी की तरफ से काफ़ी अच्छा गेम आ चुका है गाइस, और ये ग्लोबली है, लॉन्च हो चुका है। आप लोग इसको ईजिली से डाउनलोड कर सकते हैं गाइस गूगल प्ले स्टोर से। बस गाइस, आपको डाउनलोड करने के लिए करना ये होगा कि आपको जो है VPN के थ्रू इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस जो है इंडिया में चाइनीज़ ऐप्स हैं वो बैन है। तो गाइस, ये जो कंपनी है नेट ईजी वो चाइनीज़ कंपनी है, इसलिए ये भी बैन है गाइस। तो इसलिए इसके गेम्स वो हमारे प्ले स्टोर पर शो नहीं होंगे। तो आप लोगों को इस गेम को डाउनलोड करने के लिए VPN का यूज़ करना पड़ेगा, कोई सी भी कंट्री का, ऑस्ट्रेलिया ले लो या कोई सी भी US वगैरह, इन पर VPN कनेक्ट करके आप लोगों को ईजिली से वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा आपके गूगल प्ले स्टोर पे। तो गाइज, आप लोग इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं VPN का यूज़ करके। तो गाइज, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा आपको गेम प्ले इसमें देखने को मिलेगा। और गाइज, अगर आपने इसको बाहर से डाउनलोड करना है तो आप लोग गूगल पे सर्च करके एस रेसर लिख के गाइज आप लोग ईजिली से इसको वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी गाइज। बट ये है कि विदाउट VPN के गाइज आप लोग इसको प्ले भी नहीं कर सकते, आपको किसी अदर कंट्री का जो है VPN लगाना ही पड़ेगा गाइस, क्योंकि जो गेम है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए आपको VPN के थ्रू इसको डाउनलोड और प्ले करना पड़ेगा। तो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छे जो इसमें ग्राफिक्स वगैरह, और काफ़ी अच्छे जो हैं इसमें आपको मोड्स देखने को मिलेंगे गाइस। करियर मोड अवेलेबल है, और इसमें जो है आपका मल्टीप्लेयर मोड भी अवेलेबल है। तो गाइस, काफ़ी अच्छा वो जो है स्मूथ आपको इसमें कंट्रोल वगैरह देखो, बहुत ही अच्छा तरीके से आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइज गेम मिलेगा गाइस। चाहे आपका लो एंड डिवाइस हो या हाई एंड डिवाइस हो, काफ़ी अच्छा इसमें गेम परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। तो गाइस, लो एंड डिवाइस वालों के लिए भी ये काफ़ी अच्छी खबर है कि भाई कोई ऐसा गेम है HD दिखने वाला कि वो आपके जो है लो एंड डिवाइस में भी इजीली से प्ले हो सकता है। तो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं 4GB रैम में भी ये इजीली से प्ले हो जाएगा गाइस, कोई दिक्कत नहीं आएगी 3-4GB में। तो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं गेम प्ले काफ़ी स्मूथ है। मेरा जो डिवाइस है गाइस वो 6GB रैम, स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर है गाइस, और GPU की बात करूँ तो गाइस एड्रीनो 512 है। तो काफ़ी अच्छा इसमें गेमिंग परफॉर्मेंस मिल रहा है, बल्कि ये गाइस मैंने अभी जो है उतने ग्राफिक्स है वो हाई नहीं करे हैं। तो गाइस, जो पहले से ही सेटिंग्स रहती हैं गेम्स की, वही सेटिंग्स में मैं इसे प्ले कर रहा हूँ। मैंने अभी कोई भी कस्टमाइज सेटिंग्स नहीं करी हैं अपने से। तो गाइस, इसे आप लोग हाईएस्ट में भी खेल सकते हो, 60-30 FPS में आराम से आपका गेम प्ले हो जाएगा HD ग्राफिक्स में। तो गाइस, आप लोग सेटिंग करके इसकी जो है ग्राफिक्स भी बढ़ा सकते हैं। मैंने जो है अभी गेम्स की ग्राफिक्स में जो दिए गए हैं उसी में मैं प्ले कर रहा हूँ। तो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं उसमें भी ये काफ़ी अच्छा जो है मेरे डिवाइस में चल रहा है। तो गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छा जो है इसका परफॉर्मेंस है गाइस, और बहुत ही अच्छा ऑप्टिमाइज़ किया है कंपनी ने। तो गाइस, काफ़ी अच्छे अच्छे गेम्स हैं जो नेट ईजी की तरफ से आते रहते हैं। तो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे रेस फिनिश हो चुकी है, और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे हम लोग आ चुके हैं। तो गाइस, गेम बहुत ही अच्छा है, अगर आप लोगों ने इसे ट्राई करना है तो आप लोग ज़रूर कीजिए, इसे डाउनलोड कीजिए। आप लोगों को इस तरीके का गेम नहीं खेलने को मिलेगा, कंसोल क्वालिटी का गेम। तो गाइस, काफ़ी अच्छा गेम है। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइज। मैं ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो गाइज, मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और गेमिंग से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।